धनंजय, अच्छा धनंजय जी आए, आओ धनंजय बोलो। ये सब हमारे बड़े व्यस्ततम साथियों में से हैं, करमचंद, अनिल, धनंजय। अच्छा है ये सब आए हैं, तो थोड़ी देर धनंजय जी बोलेंगे। आज साथियों ने थोड़ा मेरे ऊपर दबाव डाला उनका प्रेम था, उनका अधिकार था मुझे कहने के लिए। बोलिए सदगुरु देव की जय। आप सब जलपान तो किए हैं ना? कौन कौन जलपान नहीं किए, हाथ खड़ा करिए। तो आप लोग जाइए जलपान कर लीजिए, और जो लोग किए हैं उनके दमदारी से आवाज आए तो अच्छा लगे, मजा भी आए, और जिस जगह पर बैठे उसकी सुंदरता शोभा भी बढ़े, है ना? जरा जोर से जयकारा लगाएं। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। आज के आनंद की जय। साहेब बंदगी साहेब। आत्मज्ञान के प्रबल प्रेरणा स्रोत वंदनीय संत समाज, सत्संग की सरिता में उपस्थित आत्मीय बंधुओं, श्रद्धामयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माताओं एवं प्यारी बहनों, इस वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज अवसर मिला, इस अवसर के सदुपयोग हेतु कुछ चंद पलों में बहुत थोड़ी बात आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहा हूं। हम अपने जीवन को सुधारे तो कैसे? हर इंसान चाहता है कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। दुनिया का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो चाहता हो कि मैं अच्छा इंसान न बनूं। क्या आप में से कोई ऐसा आदमी है जो अच्छा इंसान न बनना चाहता हो? सबके सब अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, पर बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सब से एक प्रश्न है। आप अच्छा इंसान बनना तो चाहते हैं, पर उसके लिए आपने आज तक क्या उपाय किया? आज तक आपने क्या उपाय किया? कोई जरिया तो ढूंढा होगा, कुछ सोचा होगा उसके विषय में, कभी कुछ प्रयास किया होगा कि मैं ऐसा करूं या इस ढंग से जीऊं तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, सुंदर होगा, सुव्यवस्थित होगा। और हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण यदि है तो वो यही है। अपने जीवन को सुधारने के विषय में कभी प्रयास नहीं करते। हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हमें भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं? उसके लिए सारी व्यवस्थाएं करते हैं, उसके लिए दिन रात पसीना बहा करके धन कमाते हैं और उस धन से अन्न खरीद करके खाते हैं। कितना मेहनत करते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो 24 घंटे के समय में कम से कम 18 घंटे भी काम करके अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भूख लगता है। कपड़े की आवश्यकता होती है तो उसके लिए भी कोई ना कोई उपाय किया जाता है। छप्पर की, छाया की, घर मकान की आवश्यकता होती है तो आज के समय में तो आप सब देखते ही हैं, ऐसे ऐसे बंगले हैं जहां एक आदमी की जगह हजारों आदमी रहा जा सकता है, किंतु उसमें एक रहने वाला आदमी भी नहीं है। इन सब की बहुलता है, किंतु इंसान दुखी क्यों? इंसान के दुख का कारण सबसे बड़ा यही है कि वह अपने स्वभाव को नहीं सुधारता।
अपने आचरणों को नहीं सुधारता, अपने विचारों को नहीं सुधारता, और एक शब्द में कहूं तो अपने मन को नहीं सुधारता। अपने मन को बदल ले, अपने आचरणों को बदल ले, अपने चरित्र को संवार ले, तो इंसान कभी भी कहीं भी किसी भी जगह कैसे भी ढंग से अपने जीवन को सुधार सकता है, अपने जीवन को संवार सकता है, अपने जीवन को सुखपूर्वक जीवन जी सकता है। बंधुओं, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि हम अपने स्वभाव को सुधारने का प्रयास करें, इसके लिए कोई ना कोई कदम उठाएं। आज नहीं तो निश्चय कल, किंतु आज यदि नहीं करेंगे तो कल कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज अभी और इसी वक्त स्टार्ट कर दें, इसी वक्त चालू कर दें। क्या काम करना है हमें? अपने मन को संवारने का काम करना है। हमारे संत गुरुजन बताते हैं कि इंसान के सुधार के तीन रास्ते हैं। वो तीन रास्ते कौन से हैं? मन, वाणी और कर्म का सुधार। यदि हम अपने मन को सुधारते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन सुधर सकता है। अपने वाणी को सुधारते हैं तो हमारी जिंदगी सुखमय जीवन जिंदगी बीत सकती है। हम अपने जीवन को सुखमय जी सकते हैं। और कर्म को संवारेंगे तो, कर्म यदि अच्छा है तो किस्मत हमारी दासी है, और कर्म धर्म दोनों अच्छे तो जीव मिले अविनाशी है। हम सब अपने जीवन को संवारने का काम करें, अपने मन को संवारें, हर समय हर क्षण देखें कि हमारा मन क्या सोचता है। एक एक क्षण देखना प्रयास करें, हम अभ्यास करें इसे देखने का। संत गुरुजन इसीलिए हमें ध्यान की विधि बताते हैं। ध्यान की विधि क्यों? ध्यान की विधि इसलिए कि हम अपने मन को देखना सीखें। मैं खास कहना चाहता हूं कि अपने स्वभाव को सुधारें। हम सब जितने लोग यहां उपस्थित हैं, ऐसा नहीं कि हम बिगड़े नवाब हैं, सबके सब लगभग 90-99% अच्छे हैं। यहां आने वाले हर एक के मन में जीवन के प्रति उत्सुकता है, जीवन को अच्छे से जीने की आशा है, लालसा है, जिज्ञासा है, पिपासा है। किंतु बंधुओं, जो थोड़ी बहुत हमारे जीवन में दुख आती है, जिन संकटों से हमें झेलने के लिए शक्ति नहीं मिल पाती है, उनके लिए हमें प्रयास करना होगा। और वो प्रयास है हम अपने स्वभाव को सुधारें। अपने स्वभाव को यदि हम सुधार लेते हैं तो चाहे जैसी समस्या हमारे सामने हो, हम हर समस्याओं से निपटने के लिए तैयार हो सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा व्यवहार। अध्यात्म और परमार्थ, अध्यात्म और व्यवहार, ये दो सीढ़ी है, ये दो पहिए हैं। हम अध्यात्म की ओर बहुत आगे बढ़ जाएं और व्यवहार में पीछे हो तो हमारा जीवन सफल नहीं हो पाएगा। हमारा जीवन तब सफल होता है जब हम अध्यात्म की ऊंचाइयों पर रहते हुए अपने व्यवहार को संवार लें। एक इंसान आत्मा और परमात्मा की बहुत बातें करता हो, किंतु हर व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ मिलकर के रहना है, लोगों को कब क्षमा करना है, लोगों से कब क्षमा मांगना है, यह अगर नहीं जानता तो वह आदमी कभी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इसलिए बंधुओं, हम सबको आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने मन को संवारें और अपने आचरण को सुधारते हुए अपने जीवन को अच्छा बनाने का काम करें। नहीं तो हम पछतावे की जिंदगी जी सकते हैं। अंत में एक कहानी इसी पर। एक बार की बात है, एक बिल्डर अपने दोस्त के साथ, अपने बॉस के साथ रह करके अनेक बिल्डिंगें बनाया करता था। मकान, जैसे किसी को मकान की आवश्यकता होती तो वो कहता कि हमें ऐसा मकान चाहिए। तो वो दोनों दोस्त मिल करके मकान का काम करवाते हैं और अच्छे से अच्छा भवन, जिसे आज के समय में हम फ्लैट, बंगले इत्यादि नाम देते हैं, एकदम अच्छा से अच्छा बनाया करता था। उसमें से जो
छोटा था जो बॉस के साथ काम करता था वो बहुत उम्र का हो गया था लगभग 60 के आसपास और सोचा कि अब बहुत जिंदगी जी लिया मैं इसी भाग दौड़ में अब मुझे चाहिए कि मैं घर में अपने बच्चों के साथ माता पिता के साथ और जो है उनके साथ समय बिताऊं और यही बात वो अपने बॉस से कहा कि भाई मैं अब ये काम छोड़ करके इससे सेवानिवृत्त होकर के जीवन जीना चाहता हूँ शांति का जीवन जीना चाहता हूँ उन्होंने कहा ठीक है आपको छुट्टी मिल जाएगी किंतु एक एक काम और है एक ऑर्डर आया है उसे हम कंप्लीट कर लें उसे पूरा बना लें उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं उन्होंने कहा कि ठीक है मन तो था नहीं फिर भी अनमने ढंग से वह तैयार हो गया और रोज सुबह जल्दी जाता था अब धीरे से जाने लगा लेट से जाने लगा इस प्रकार वो पूरा काम थोड़ा लापरवाही से करने लगा जहां अच्छा से अच्छा मकान बनाना चाहिए था वहां खराब बनाने लगा जहां अच्छे सीमेंट अच्छे छड़ अच्छे चीजों की उपयोगिता थी अच्छे चीजें लगाए जाते थे वहां भी कोई ध्यान नहीं ऐसे करते करते लगभग एक महीने में वह मकान तैयार हो गया और अनमने ढंग से वो काम जैसे तैसे निपट गया और फिर अपने बॉस से कहा कि ये काम कंप्लीट हो गया है पूरा हो गया है अब मैं छुट्टी चाहता हूं बॉस ने कहा ठीक है लेकिन एक बात है हम आपको विदाई देना चाहते हैं एक पार्टी रखना चाहते हैं आपकी विदाई के लिए कि आप इतने साल तक हमारे साथ काम किए उसके लिए एक समारोह रखते हैं उन्होंने कहा ठीक है समय निर्धारित हुआ और समय निर्धारित होने के अनुसार सब जितने उनके जान पहचान थे सब लोगों को बुलाया गया महफिल सजी और सबके बीच में उस बॉस ने अपने छोटे कर्मचारी को कहा कि आप आज से सेवानिवृत्त होते हैं और जिस मकान को आप अंतिम में बनाए हैं ये उस मकान की चाबी है और ये आज से आपके नाम की चाबी है बंधुओं सोचिए उस वक्त उस छोटे बॉस को कैसे लगा होगा वो तो रोने लगा दुख में भर गया और कहा काश काश कोई बताया होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है ये जो मकान अंतिम में मैंने बनाया है ये मेरे नाम से होने वाली है तो मैं ऐसा भवन बनाता कि जिंदगी में आज तक मैंने कभी नहीं बनाया था मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए सुनाना चाह रहा था कि जब हम इस दुनिया से जाएं हमारे आंखों में आंसू ना हो हम खुशी से जाएं अपने जीवन को खुशमय बनाकर जाएं ताकि हमें और याद करें और हम एक आदर्श बने और अपने जीवन को अच्छे से अच्छा जीवन बनाने का काम करें और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ बोलिए सदगुरुदेव की जय जरा जोर से जयकारा लगाइए बोलिए सदगुरु कबीर साहेब